हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे घर में मैंने जो है चिड़िया का घोंसला बनाया है, खुद तैयार किया है। और ये जो है मैंने कैसे तैयार किया था, जैसे कि अपने घर पे कई बार आपने देखे होंगे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो हम लोग जब रीपॉट करते हैं तो उसमें नीचे एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं, उनको काटते हैं। तो जब हम लोग कट करते हैं तो उसमें इस तरह की रूट्स निकल आती हैं और फिर उन रूट्स का हम लोग यही करते हैं, हम अक्सर फेंक देते हैं उनको, या तो जला देते हैं या फेंक देते हैं। और कई बार मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, तो मेरे यहाँ जो है डिकम्पोजिंग की मतलब उसको बोरी में डाल दिया जाता है, जो जिसमें सारा किचन वेस्ट होता है, तो किचन वेस्ट की वजह से वो डिकम्पोज हो जाती हैं रूट्स। वैसे मैंने इसका एक इस्तेमाल करके देखिए किस तरह से मैंने चिड़िया का घोंसला बनाया है। तो यहाँ पर चिड़िया आती रहती हैं, दो बुलबुल हैं तो वो आती हैं और वो अक्सर यहाँ पे आके बैठती हैं तो छत पर, और वो यहीं पे ही रहती हैं मैक्सिमम टाइम। बुलबुल हैं, गिलहरी है और पिजन्स हैं, तो वो सब यहीं पे आके इधर ही रहते हैं, मेरे घर के पीछे रहती हैं दो गिलहरी। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसमें एक हैंगर है, उसमें मैंने इसको टांगने जा रहा हूँ। और ये यहाँ पे एक मैंने कार्डबोर्ड का बनाया हुआ है, तो ये भी इस कार्डबोर्ड के इसमें अगर रखना चाहेंगी तो इसमें रख सकती हैं। वैसे पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं, इन्होंने घोंसला बनाना चालू किया था, इन्होंने कुछ इसमें मटेरियल रखा था, मैंने देखा तो आज मैंने देखा दूसरे दिन तो इसमें मटेरियल रखा हुआ था, तो इन्होंने खुद अपना इसमें डालना शुरू किया है। हालांकि वो मैंने ग्रास का वो रख दिया था, जो मतलब वो रूट्स का। और अब देखिए आप किस तरह से बुलबुल आई हुई है यहाँ। ये जोड़े में आते हैं और दोनों लोग बैठ के यहाँ पे अपना तिनके लाते हैं और बनाते हैं अपना घर। सो फ्रेंड्स, मैं इसका अपडेट समय समय पे आपको दिया करूँगा, जब इसमें अंडे रखेंगे ये लोग और ये यहाँ पे जब रहने लगेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।